ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जो है गाइस, मैं आप सभी को प्रीसेट्स के बारे में बताने वाला हूं, एंड आप सभी को डाउनलोड कैसे करना है एंड यूज़ कैसे करना है, सब कुछ मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना ताकि आप सभी को सब कुछ समझ आए एंड सब कुछ आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप सभी को करना है कि आप सभी को पहले अपने कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को यूज़ किया। तो आप सभी को करना है कि यहाँ पे आपको सर्च बार में सिंपली टाइप कर देना है मेरे चैनल का नाम करण मंडल एडिट्स। आप सभी को सिंपली आप सभी को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने जो सर्च किया है, आप सभी को यहाँ पे सिंपली सर्च कर देना है। एंड सर्च कर देने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस टाइप से आप सभी को मेरी ब्लॉगर की आईडी दिख जाएगी। तो अगर आप दोनों में से कोई से भी आईडी को यूज़ कर मतलब क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो मैं कहा अपनी नीचे वाली आईडी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों आईडी सेम है, आप कोई से ओपन कर सकते हो। तो कैसे, अगर आप वीडियो को अगर अभी आप देख रहे हो तो आप सभी को ये वाला पोस्ट मिल जाएगा। बाकी आप स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे कुछ इस टाइप से पोस्ट मिल जाएंगे। तो अब इन पोस्ट को भी जाकर चेकआउट करना, इनमें मैंने अच्छे अच्छे प्रीसेट दे रखे हैं आप सभी को। तो आप सभी को करना है कि यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद आप सभी के सामने मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो गाइस, इस वेबसाइट में आप सभी को कुछ इस टाइप से आपको स्क्रॉल करना है, एंड आप सभी को डाउनलोड कैसे करना है मैं पहले आप सभी को वो बता दूँ, एंड यूज़ कैसे करना है मैं वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना। तो गाइस, आप सभी को कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे ये दिख जाएंगे प्रीसेट्स। तो गाइस, आपको यहाँ से प्रीसेट्स को डाउनलोड नहीं करना है। आप सभी को कहाँ से करना मैं बताता हूँ आप सभी को पहले। तो गाइस, आप सभी को कुछ ऐसे स्क्रॉल करना है, एंड आप सभी को नीचे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को इस पर सिंपली क्लिक कर देना, एंड आप सभी के सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन मांगेगा। तो आप सभी को यहाँ पे क्रोम का यूज़ क्रोम ब्राउजर का टच कर देना, एंड उसके बाद आप सभी के सामने कुछ ऐसे ये ओपन हो जाएंगे। तो गाइस, उसके बाद आप सभी को एक एक इनको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एक एक मतलब कि प्रीसेट्स को बारी बारी डाउनलोड कर लेना है। एंड ये मेरे फ़ोन में पहले से ही, तो मैं यहाँ से सिंपली बैक चलूँगा, ठीक है। एंड बैक जाने के बाद यहाँ से मैं गैलरी को अपने ओपन कर लेता हूँ, एंड गैलरी को ओपन कर लिया मैंने। तो यहाँ से मैं अपने इन पांचों प्रीसेट्स को यहाँ पे सिंपली क्लिक करके, एंड यहाँ पे अपने लाइट रूम में शेयर कर देता हूँ। एंड यहाँ से हम शेयर पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे लाइट रूम ऐप में क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे जो है हमारी ये प्रीसेट्स हैं यहाँ पे जो उसमें और क्या कहते हैं अपलोड हो रही है, क्या कहते हैं लाइट रूम ऐप में। तो अभी हम इस पर थोड़ा वेट करेंगे, एंड यहाँ से चलेंगे सिंपली बैक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपने फ़ोन को कर लेते हैं थोड़ा रोटेट, एंड उसके बाद यहाँ पे हम ऑल फोटोज़ में क्लिक करके यहाँ पे अपने प्रीसेट्स को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो गाइस, जो प्रीसेट्स का जो मतलब प्रीसेट्स है वो गाइस अलग अलग डेट के हैं, तो यार आप में डेट वाइज आपकी फोटोज ऐड होती हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, एंड ये जो हमारी एक प्रीसेट्स यहाँ पे ओपन है, तो हम पहले इसको यहाँ पे देखते हैं आप सभी को यूज़ कैसे करना, मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो आप सभी को सिंपली आपको प्रीसेट्स को पहले ऐसे लाइट रूम ऐप में ऐड करने के बाद आप सभी को ऐसे ओपन कर लेना है, एंड उसके बाद आप सभी को साइड में थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो पहले अभी ये लोडिंग हो रहा है, थोड़ा इसको पूरा परफेक्टली सक्सेसफुल होने दो। अब आप सभी को यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना, एंड आप सभी को यहाँ पे दिखाएगा कॉपी सेटिंग्स, आपको कॉपी पे दिखते कर देना, एंड यहाँ पे सारे टूल्स को आपको यहाँ पे डन कर देना, एंड यहाँ पे कर देना ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे कर देने के बाद आप सभी को जो आपकी कोई भी फोटो को ओपन कर लेना कुछ इस टाइप से, एंड उसके बाद आपको देखोगे इस एक क्लिक में हमारी फोटो पहले उसकी जैसी हो जाएगी। तो आप सभी को करना है यहाँ पे पेस्ट कर देना है पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करके, एंड यहाँ पे देखिएगा जैसी वो हमारी फोटो थी ब्लू टोन में वैसी यहाँ पे भी ये हो चुकी है। तो हम इसमें पहले थोड़ा सा विग्नेट कम कर देते हैं, ठीक है। इसमें विग्नेट को कम कर देते हैं, एंड यहाँ पे जो है लाइट यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइस, आप सभी को कुछ इस टाइप से करना है, ठीक है। तो आप सभी को मैं दूसरा प्रीसेट है उसको आपको कैसे यूज़ करना है मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो गाइस, ठीक है, पहले बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है गाइस। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारा प्रीसेट यहाँ पे मैच हो गया है। तो अब गाइस, मैं आप सभी को दिखाता हूँ दूसरा प्रीसेट को कैसे आप सभी को ऐड करना। तो पहले मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, एंड यहाँ चलते बैक, एंड हम उसके बाद चलते हैं इस वाले प्रीसेट के पास। तो हम इस वाले प्रीसेट को यूज़ करते हैं। तो इसमें भी गाइस सेम वही मेथड करना आप सभी को, इसमें आप सभी को जाना है यहाँ से पहले इसको पहले परफेक्टली यहाँ पे लोडिंग लेने दो पूरी, एंड उसके बाद आपको यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कॉपी सेटिंग में क्लिक कर देना है, एंड आप सभी को सारे टूल को डन करके एंड यहाँ से कर देना राइट, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से सिंपली बैक चलना, एंड आप सभी को अपनी कोई भी फोटो को ओपन कर लेना जिसमें स्काई हो। एंड गाइस, मेरी इस फोटो में स्काई नहीं है, बस मतलब कि ये एनएक्सपी पिक्चर की फोटो है, इसमें अगर स्काई नहीं है बस ये कमी रह गई, नहीं तो इसमें स्काई होता तो ये भी पूरी वैसे सेम फोटो एडिट हो जाती है। तो इसमें भी हम पेस्ट करते हैं, एंड देखिए गाइस, मतलब कि गाइस जो बैकग्राउंड का कलर था वो तो हो गया, बट इसमें स्काई नहीं है तो इस वजह से स्काई ब्लू नहीं हो पाया। तो गाइस देखिए, बिफोर एंड आफ्टर आपको मैंने दिखा दिया है। तो गाइस, आपके कोई स्काई वाली फोटो तो उसमें इस प्रीसेट को जरूर यूज़ करना। तो चलिए गाइस, पहले मैं इस फोटो को सेव कर लेता हूँ, एंड आप सभी को दिखाता हूँ थर्ड तीसरी फोटो को यहाँ पे आप सभी को तीसरे प्रीसेट को यहाँ पे यूज़ करके, ठीक है। तो गाइस, मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रीसेट पूरे यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आप सभी को इतना समझा देता हूँ, एंड बाकी आपको सारे अपने आप से यूज़ कर लेना। तो ये लास्ट प्रीसेट जो मैं आप सभी को इसमें समझाने वाला हूँ, तो आप सभी को थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे कॉपी सेटिंग पर जाकर ऑल टूल्स को आपको कॉपी कर देना है, डन कर देना है, एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से सिंपली बैक चलना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को अपनी कोई भी फोटो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे पहले मैं इस वाली फोटो को ऐड कर लेता हूँ, एंड उसके बाद सिंपली आप सभी को इसको यहाँ पे पहले प्रोसेस लेने दो पूरा, एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे थ्री डॉट्स पर क्लिक करके एंड यहाँ पे कर देना पेज सेटिंग। एंड उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पे टोटली ग्रीन टोन
फोन में आ चुकी है हमारी फोटो। तो गाइस देखिए कितना अमेजिंग प्रीसेट्स है, तो आप सभी इन प्रीसेट्स को आपको यूज़ करना चाहिए। एंड यार कुछ मतलब कि प्रीसेट यूज़ करने के बाद आप सभी की फोटो में कुछ कमी आ सकती है, तो आप सभी को उनको यहाँ पे कलर से आप सभी को सिंपली ऐसे करके मैनेज कर लेना है, ठीक है? तो आप मैनेज कर लेना। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक, गुड बाय।